अब हमारे साथ किसका साथ है, अब जिनका साथ हमारे साथ है वो उनसे आप एक नई चीज के बारे में बिल्कुल जान सकते हैं और ये आपकी खूबसूरती के हवाले से है। बड़े बालों के इश्यूज चल रहे होते हैं, लोग कहते हैं कि हम रोज जो है वो ट्रीटमेंट भी कर रहे होते हैं तो रोजाना हमारे बालों के साथ कोई ना कोई वर्किंग हो रही होती है और आजकल स्ट्रेटनिंग का थोड़ा सा फैशन जो है वो इन हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है कि वो कर्ली हेयर्स की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी वो कहते हैं ना कि स्ट्रेटनिंग जो एक होती है या बिल्कुल बाल स्ट्रेट होते हैं उसका अपना एक लुक होता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर नौरीन मौजूद है, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नौरीन? ठीक ठीक ठाक, खैरियत से जी। अच्छा, ये क्या सिलसिला है बालों के स्ट्रेट होने का? ये रिलैक्सिंग बेसिकली जो है टाइट जो कर्ल्स होते हैं उनको स्ट्रेट करता है। अच्छा, और रिबॉन्डिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि रिबॉन्डिंग में ज्यादा कॉमिंग की जरूरत पड़ती है, इसमें ज्यादा कॉमिंग की जरूरत नहीं है, बाल डैमेज नहीं होते और बहुत इजीली स्ट्रेट हो जाते हैं, बालों को इतना डैमेज नहीं करता। अच्छा नौरीन, कितने दिन तक एक चीज? 6 to 8 months तक ये रहता है। 6 to 8 months जी। अच्छा, ओरिजिनल ग्रोथ यहाँ से हो रही होती है, वो तो वेवी आएगी ना? बिल्कुल, वो तो वेवी आएगी, उसको रीग्रोथ को फिर आप टच करा सकते हैं 8 months, और अगर आप केयर करें पोस्ट मेंटेनेंस वगैरह करें तो फिर आप उसको रीटच करवा के 1 साल भी चला सकते हैं। बिल्कुल, उस पर्टिकुलर एरिया को जो वेवी हो गया उसको हम कर दें टच, और अगर जरूरत हुई तो नीचे वालों को भी रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अब जिस तरह से मैंने कहा कि थोड़ा सा वेवी हेयर्स का आजकल फैशन आ रहा है दोबारा से, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं ना एक ही चीज कर करके, लेकिन स्ट्रेटनिंग की अपनी बात होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं तो मेजोरिटी पे वो सूट कर रहा होता है। थोड़ा सा सर पे बाल का होना जरूरी है, अगर बाल नहीं। इसके लिए ये है कि हम पहले क्लाइंट से काउंसलिंग करते हैं, उनके हेयर को स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और उन्हें चेक करते हैं कि वो उन्होंने डाई कितना लगाया हुआ है या वर्जन हेयर है, उसको हम चेक करके उसके बाद हम उसके बालों को, क्योंकि क्लाइंट कभी बताता भी नहीं है कि उन्होंने कोई डाई लगाया हुआ है या मेहंदी लगाई हुई है, हिना ट्रीटेड हेयर है और मेटेलिक डाई लगे हुए हैं। अगर सिंथेटिक डाई है तो वो इजीली उन पे हो जाते हैं, लेकिन मेटेलिक डाई पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा नौरीन, कितनी देर का होता है ये प्रोसीजर? ये 2 to 3 hours लगते हैं, लेकिन हाफ डन में करके लाई हूँ, जाहिर ड्यूरेशन नहीं आपके ना जाएं का। सही सही, वो फिर कल से लगा के इनको बिठाना पड़ेगा। अच्छा, हम जो है वो, और अभी आपको कितना टाइम लगेगा इसको करने में? 40 मिनट्स लगेंगे। 40 मिनट्स लगेंगे, तो मेरे ख्याल से आप इस तरफ आ जाइए क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो कम है, ताकि आपका प्रोसीजर यहाँ से आप आ जाइए इनके पास, और जब तक मैं अपने व्यूअर से बात कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज आपको बता दूँ कि आज हम आपको एक मुहावरा भी देने वाले हैं, और उस मुहावरे का जो भी सही जवाब देगा या लकी विनर जो भी होगा वो नौरीन बताएंगे। नौरीन, क्या मिलेगा भाई? मुझे फ्री प्रोटीन ट्रीटमेंट। चलें जी, फ्री प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। तो मुहावरा मैं बता देती हूँ, और बहुत आसान सा मुहावरा है। हम कहते हैं कि किसी को जब हमें जरा बुरा भला कहना होता है तो हम कहते हैं कि जी एक अंडा और वो भी क्या, तो वो क्या होता है एक अंडा और वो भी क्या, तो जो वो क्या होता है वो आप हमें बता दीजिए कि उस क्या में आपने क्या फिल करना है, और फोन कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं, हमें SMS के थ्रू भी बता सकते हैं। SMS करने का तरीका बहुत आसान, आपने जो मोबाइल की राइट मैसेज भेजाना है, MDR लिखना है, जगह छोड़नी है, अपना नाम लिखना है, और उसके बाद जो राइट आंसर है वो लिखिए और 4472 पर उसे सेंड कर दीजिए। उसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए जो नंबर है वो थोड़ी देर बाद हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, क्योंकि अक्सर लोगों की ये कंप्लेन आ रही होती है कि जी नंबर याद नहीं रहता और नंबर डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, तो नंबर जो है वो वक्तन फवक्तन हम आपकी कन्वीनियंस के लिए डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तैयारी जो है वो नौरीन की पूरी हो चुकी है और नौरीन तैयार होके खड़ी है। जी जी, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा क्लाइंट था तो हमने इनकी स्ट्रेंथ टेस्ट करी थी, ये आप देख सकती हैं, बिफोर इनकी फर्स्ट जो इनका वो था एप्लीकेशन रिलैक्सो क्रीम, वो लगाने से पहले हमने इनकी स्ट्रेंथ, ये इनके बाल हैं। अच्छा ठीक है, वेवी है जी, वेवी हेयर है, बिल्कुल टाइट कर्ल नहीं है लेकिन वेवी हैं, वेव हैं इनके बालों में। हमने एक क्रीम इनके लगा के उसको 35 मिनट छोड़ा था, उसको वॉश किया है न्यूट्रलाइजिंग शैम्पू से, वॉश करके लाएं। अब हम इनके न्यूट्रलाइजर अप्लाई करेंगे टू बैलेंस द पीएच लेवल। ओके, मैं स्टार्ट। ठीक है, चलें जी, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री प्रोटीन ट्रीटमेंट मिले तो आप हमारे मुहावरे का जवाब दे दीजिए। मुहावरा है कि जी एक अंडा और वो भी क्या, तो वो जो भी होता है वो बता दीजिए आप हमें, और फोन कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं, उसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट हम देखेंगे कि लकी विनर जो है वो कौन है। यहाँ पे नौरीन, ये भी बताइए कि जब इस तरह से ट्रीटमेंट लिया जाता है तो कुछ लोगों का कहना होता है कि जी तेल इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ऐसा, इसके तो शैम्पू जो है वो सेपरेट होते हैं, ऐसी कोई चीज है? ये है कि इसके माइल्ड शैम्पू होते हैं जो बालों को केयर करते हैं और जो नुकसान नहीं देते,
तो वो अगर यूज करेंगे तो कुछ भी नहीं होता। बाल टाई भी कर सकते हैं, लेकिन 2 डेज के लिए आपको अपने बाल ओपन रखना पड़ते हैं आफ्टर दिस ट्रीटमेंट। अच्छा, सही, ताकि वो एक शेप ले लें। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस तारिक बोल रही हूँ, शगुफ्ता। जी मिसेस तारिक, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा ड्रेस पहनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आपके मुहावरे का जवाब देना है, एक अंडा वो भी गंदा। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे सारी बहुत शुक्रिया। कोई सवाल तो नहीं करना ना? और नहीं, मुझे इनसे बात करनी है कि मेरे हाँ। बाल बहुत हल्के आगे से ना। अच्छा। बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं, इसलिए मैं इनको दिखाना भी चाहती हूँ, इनका फोन नंबर मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, मिसेस तारिक बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और अगर आप अभी भी लाइन पर मौजूद हैं तो कंट्रोल रूम से आप इनका नंबर ले लीजिएगा, मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद कॉल करके इनका नंबर जो वो ले लीजिएगा, और जो भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए वो आप पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, एक दफा और बता दें कि अगर आप सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्री प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिल जाए जिसमें आपका कोई खर्चा ना हो, तो आप हमारे मुहावरे का जवाब जो है वो दे सकते हैं। मुहावरा बहुत आसान सा मैंने बताया, हमने आज का मुहावरा आपको दिया, एक अंडा वो भी क्या, तो वो जो क्या है ना वो बता दीजिए मुझे। आप मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं, फोन कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं। अच्छा जी, इन कॉलर का मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारे पास आ जाए, हम देख लेंगे इन्होंने कितना डाई किया हुआ है, क्या है, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा इनकी थिन क्यों हो रहे हैं आगे से, ज्यादा हेड कवर तो नहीं करती हैं ये, ठीक है, फिर स्वेटिंग होती है, क्या है, तो फिर उसके बाद भी नो के इनका क्या करना है। अच्छा, अभी ये पूरे बालों पे अप्लाई करें? जी, ये न्यूट्रलाइजर है फॉर बैलेंसिंग द पीएच लेवल, क्योंकि नेचुरल पीएच लेवल पे भी तो लाना जरूरी होता है ना, वरना बाल में स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे इनके। अरे नौरीन, एक चीज और बताइए कि हम कहते हैं ना कि जिस तरह ये आप एक ट्रीटमेंट दे रही हैं और इसको लगाने के बाद जो है एक बहुत अच्छी सी लुक आ जाएगी, तो मुझे ये बताएं कि हम कहते हैं कि बालों के टेक्सचर पे भी बेस करता है जी, और प्लस उसकी स्ट्रेंथ पे भी बेस करता है या थिकनेस पे बेस करता है? तीनों चीजों पे ही बेस करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उनका मतलब रूटीन क्या है, बालों की वो कितनी केयर करती हैं, उस हिसाब से फिर हम उनको देख के बताते हैं। अब हर क्लाइंट चाह रहा होता है वो करवा ले, लेकिन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ता है, उन्हें टेस्ट, उनके बालों की स्ट्रेंथ टेस्ट करना पड़ती है, और अगर नहीं हमें लगता तो हम उन्हें रिफ्यूज कर देते हैं, जाहिर है कि उनके बालों को थोड़ी वो करना है, फेस पे एक मेन चीज जो होती है वो बाल होते हैं। सही। अच्छा, हम आपको क्लोज करके भी दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए, हम आपको क्लोज करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई किया। खैर, आप ये घर पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल, ये एक्सपर्टीज इसके लिए चाहिए होती है, अदरवाइज आपके बाल जो है वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रोसीजर दिखाया जा रहा है कि ये प्रोसीजर जो है वो किस तरह से किया जाता है और किस तरह से इसके बाद एक फाइनल लुक जो है वो आपको दिखा दी जाएगी कि इनका फाइनल लुक जो है वो क्या आ रहा है। साथ साथ एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज हमने आपको मुहावरा दिया है, एक अंडा वो भी क्या। तो मेरे पास मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं लोगों के और उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, और अभी एट दी एंड ऑफ दिस सेगमेंट, बल्कि एंड ऑफ प्रोग्राम, हम आपको बताएंगे ये लकी विनर कौन है जिनको प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अच्छा, इसमें बालों की कोई शर्त तो नहीं है, छोटे बाल, लंबे बाल? नहीं नहीं, जितने भी बड़े बाल हो बाल होने चाहिए सर पे। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आवाज नहीं आई। मैं मिस्टर सलमान, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिस्टर सलमान बात कर रही हूँ। जी मिस्टर सलमान, जवाब देना चाहेंगी? जी, मैं पहले तो आपका आंसर देना चाहूंगी कि एक अंडा वो भी गंदा। अच्छा ठीक है। और मुझे अपने बालों के लिए ये पूछना था, मेरे बाल बहुत हल्के हो गए। अच्छा। काफी, तो क्या इनको घने करने के लिए कोई ट्रीटमेंट है उसकी? चलिए, हम आपको अगर हाँ, और झड़ भी बहुत रहे बेबी होने के बाद जो है ना, वो 2 साल में तो और बहुत ज्यादा जो है ना वो झड़ने लग गए सामने से और बिल्कुल जीप सेंटर में से। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आपको अन्य जवाब देते हैं, एक बार फिर हम मुहावरा दोहरा देते हैं। आज हमने आपसे मुहावरा पूछा है, एक अंडा और वो भी क्या। तो जो भी आपको सही जवाब लगता है वो आप हमें एसएमएस के थ्रू भी भेज सकते हैं, उसके अलावा आप हमें फोन कॉल के थ्रू भी इसका जवाब दे सकते हैं। जी, इन्होंने सवाल किया है कि जी, उसके लिए ये है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं वो बालों को बहुत अच्छा करता है, उससे इनके बाल गिरना भी बंद होंगे और जो थिनिंग हो रही है वो देख लेंगे हम,
तो उसके लिए कोई टिप मैं फिर इनको जब ये आएंगी हमारे यहाँ तो फिर इन्हें बता दिया जाएगा। वैसे ऑयल गर्म करके अगर ये लगाएंगी तो इनको ज्यादा कैस्टर ऑयल मिक्स करके ऑयल में। ठीक है, अच्छा आप हमारे साथ हैं और यहाँ पर ब्रश की हेल्प से जो है वो बालों पे ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जा रहा है और उसके बाद हम आपको एक फाइनल लुक भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे।